कुंभ राशि, जिंदगी की बर्बादी शुरू होने वाली है, सब कुछ यहीं पर भुगतना पड़ेगा, जल्द देखो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज हम आपको 7 और 8 दिसंबर की कुंभ राशि फल बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इन दो दिनों में किस तरह की बर्बादी आपको भुगतना पड़ सकता है विस्तार से जानेंगे। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार लगातार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में परिवर्तन होने की वजह से आकाश मंडल में कई शुभ योग और अशुभ योग का निर्माण होता है, जिसका सभी 12 राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। यदि ग्रह नक्षत्रों की दशा राशि में ठीक है तो इसकी वजह से जीवन में अच्छे नतीजे मिलते हैं, परंतु इनकी स्थिति ठीक ना होने के कारण बहुत से विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। 7 और 8 दिसंबर, इन दो दिनों में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। दोस्तों जो भी मामले आपके सामने आएंगे वे सभी आपके पक्ष में हल हो सकते हैं, उनसे आपको लाभ भी हो सकता है। नौकरी के क्षेत्र में आपको अनेक प्रस्ताव मिल सकते हैं, जहां आपको किसी मदद की जरूरत होगी वहां समय पर आपको मदद भी मिलती रहेगी। दोस्तों आप विपरीत लिंग के लोगों के साथ अपने संबंधों में सुधार कर सकते हैं। पैसों के मामले में उठाया गया कोई कदम बिल्कुल ठीक रहेगा। आप किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं। आपकी पैसों से संबंधित मुश्किलें कुछ और बढ़ सकती हैं। आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। पिछले कुछ समय से अटके हुए मामले और भी अधिक पेचीदा हो सकते हैं। अतिरिक्त जिम्मेदारियों के मिलने के कारण आप अपने आप को दबाव में महसूस कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। कार्यक्षेत्र और ऑफिस में आप पूरी तरह सफल रहेंगे। कोई अतिरिक्त काम के जरिए धन कमाने का विचार आपके मन में आएगा। किसी नए काम को शुरू करने का मन आप बना सकते हैं। व्यापार के संबंध में आप कोई यात्रा कर सकते हैं। आपका व्यापार भी अच्छा रहेगा। दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी, परंतु आमदनी सामान्य दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक होगी। आपका मन एकांत में रहने को कर सकता है। पैसा निवेश करते वक्त आप कोई सावधानी बरतेगा, वरना आपको कोई नुकसान झेलना पड़ सकता है। अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना होगा। कुछ लोगों को आपके विचारों और बातों से असहमति हो सकती है। उनके साथ किसी बात को लेकर जिद ना करें, वरना आप खुद ही परेशान रहेंगे। अपनी सेहत का आपको खास ध्यान रखना होगा। खासकर खानपान के मामलों पर नजर रखनी होगी। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना आपकी भूल हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। आप किसी प्रकार की समस्या या फिर विवाद का सामना कर सकते हैं, जो जल्द ही खत्म होंगे। यदि आप किसी नए व्यापार के बारे में सोच रहे हैं तो पहले उसके बारे में ज्ञान एकत्र कर ले, तभी कोई कदम उठाए। आपको अपने मित्रों और भाई बहनों की सहायता मिल सकती है। आप अपने परिवार के आराम के लिए कुछ धन खर्च कर सकते हैं। दिन भर आप व्यस्त रहेंगे। आप किसी से अपनी मन की बात कहने में संकोच नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए उतावले हो सकते हैं। कोई भी बात कहने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोच लें, फिर उस बात को कहें। आपको अपना जिद्दी स्वभाव छोड़ना होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जिंदगी की बर्बादी शुरू होने वाली है, ऐसा हमने क्यों कहा विस्तार से जानेंगे। दोस्तों इन दो दिनों में आपके हाथ से कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं, या फिर इन दो दिनों में आप कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिससे कि लंबे समय तक आपको वहां से उस निर्णय की वजह से आपको पछताना पड़ सकता है। दोस्तों चाहे जो भी निर्णय लेना हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र में हो या फिर नौकरी के क्षेत्र में हो, आपको जो भी निर्णय लेना है वो 100 बार विचार करके ही लेना है। दोस्तों जो भी निर्णय ले रहे हैं उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, नुकसान फायदा क्या है, सब कुछ देखना होगा, वरना लंबे समय तक वहां से आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। दोस्तों आप बात करते हैं आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई परेशानी आपको बार बार सता रही है, उसका अगर हल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करें अथवा व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारे तरफ से रिप्लाई झट से मिल जाएगा और आपके सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान भी किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपका धनराशि फल कैसा रहेगा उसके बारे में। अपनी अंतरात्मा की सुने और अपने कोई भी निर्णय उसके परिणामों के बारे में जान कर लीजिए। कौशल प्रशिक्षण या फिर नया ज्ञान अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के अच्छे तरीके हैं। अपनी दिनचर्या को बदलकर आप अपने व्यवहार या फिर आदत को सुधार सकते हैं। किसी पर तुरंत विश्वास ना करें और धोखे से बचें। अपने पुराने संपर्कों और दोस्तों से फिर से मिलना आपको आर्थिक और पेशेवर दोनों तरह से लाभ पहुंचा सकता है। कार्य के प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण और आपका कौशल आपको उस स्थिति में ले जा सकता है जिसका आपने सपना देखा है। अपने मनी भाव को उच्च रखें, इसके बाद दुनिया आपके कदमों में होगी। करियर राशिफल की बात करें तो आपको समय पर काम पूरा करने के लिए थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। आलस के कारण आप पीछे रह सकते हैं। परेशान ना हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। थोड़ी सी मेहनत करके आप फिर से अपने उसी स्थान पर पहुंच सकते हैं। लव राशिफल की बात करें तो इस समय आप प्रेम के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए हैं और यह महसूस कर रहे हैं कि कोई अलौकिक शक्ति इस रंग को और भी गहरा बना रही है। मुकदमेबाजी या फिर कोई दुर्घटना चिंता का कारण हो सकती है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मनोबल ऊंचा रखें और दुनिया आपके कदमों में होगी। आप यह महसूस कर सकते हैं कि अपने हम सफर से नजदीकी और चाहत को महसूस करने से पहले खुद से प्रेम करना भी जरूरी है। आप किसी आत्मविश्वास और रवैये से आपको कुछ गुदगुदाते हुए रोमांटिक क्षण मिलेंगे। दोस्तों आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपके जोड़ में दर्द रहेगा, इसलिए इन्हें आराम दीजिएगा। आप दर्द के लिए योग और व्यायाम करें, आप अच्छा महसूस करेंगे। मौसम का भी ध्यान जरूर रखिएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशिफल रहने वाला है। वीडियो में बताई गई जानकारी जो कि ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई हैं। हमारा उद्देश्य महत सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या फिर इनका उपयोग भी करते हैं तो इससे पहले अपने नज़दीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करेगा। आप चाहे तो ट्रेंडिंग राशिफल से भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली और इसमें मामूली सा बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।